Yes, welcome to Pathway Classes. So today's topic is logical reasoning, and this is a lecture number 3. So guys, we are going to start with lecture number 3, and the topic is same, categorical propositions. And we have already done 2 lectures. One is for introduction part and second one is categorical propositions. We have discussed about what is predicate, what is subject, and most of the things, square of opposition is also there in lecture number 2. So you can go and watch my videos so that you will get good marks in your exam, right? So you will crack the exam. So let's start with the topic. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कन्वर्स. कन्वर्स में अगर हम कन्वर्स के बारे में पढ़ेंगे, ओवर्स होता है एंड कॉन्ट्रापोजिशन होता है, तो इसके क्वेश्चंस आते हैं. सो कुछ अपोजिट्स टर्म होती है, जैसे कि कन्वर्स में हम क्या करते हैं, ओवर्स में हम क्या करते हैं, एंड कॉन्ट्रापोजिशन में हम क्या करते हैं. ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. इसका कैटेगोरियल प्रपोजिशन के अंदर ही आता है ये. सो हम अभी पढ़ते हैं कन्वर्स क्या है, कन्वर्स में क्या आएगा. सो बेसिकली कन्वर्स इज अ कैटेगोरियल प्रपोजिशन, इज कैटेगोरियल प्रपोजिशन वेयर द प्रेडिकेट एंड द सब्जेक्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रपोजिशन हैज़ एक्सचेंज आर एक्सचेंज. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो होता है वो एक्सचेंज होता जाता है. दैट मीन्स कि अगर सब्जेक्ट में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं, नो डॉग्स आर कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है, ठीक है. सो अगर हम इसको वेन डायग्राम के हिसाब से देखें तो नो डॉग, कोई भी डॉग कैट नहीं है, ठीक है. तो ये हो गया ना हमारा. तो इसका अगर हम देखें यहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जस्ट एक चेंज हो जाता है, मतलब डॉग की जगह में कैट आ जाएगा, कैट की जगह में डॉग आ जाएगा. तो ये क्लियर हो गया. इसमें सिर्फ क्या होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का जो ओरिजिनल पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, वो एक्सचेंज हो जाती है. नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं. नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, सम डॉग्स आर फ्रेंडली क्रिएचर्स. सो क्या होगा, फ्रेंडली क्रिएचर्स पहले आ जाएंगे, मतलब वो सब्जेक्ट हो जाएगा, प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा एंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है. डॉग्स क्या हो गया, हमारा जो सब्जेक्ट था वो हमारा प्रेडिकेट में चला गया. नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑल डॉग्स आर एनिमल. यहाँ पे गाइस क्वांटिटी चेंज नहीं होती, ध्यान रखना, क्वांटिटी कभी भी चेंज नहीं हो रही. जैसे नो का नो ही है, सम का सम ही है, ठीक है, नॉट सम नॉट का सम नॉट ही है. तो मतलब कोई भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड कन्वर्स, ठीक है. सो इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसका कन्वर्स टर्म क्या होगी. सो द डॉग्स आर एनिमल, और इसका आ जाएगा हमारा ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो ऑल एनिमल्स आर डॉग्स. सो इसमें बेसिकली मैंने आपको बता दिया, इसमें सिर्फ पोजीशन चेंज होती है, सब्जेक्ट की प्रेडिकेट में चली जाती है, प्रेडिकेट के सब्जेक्ट में चली जाती है, एंड यहाँ पे क्वांटिटी चेंज नहीं होती, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, ओवर्स में चलते हैं. ओवर्स इज़ अ कैटेगोरियल प्रपोजिशन हैज़ प्रिडिकेट टर्म रिप्लेस्ड विद इट्स कॉम्प्लीमेंट. इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा प्रिडिकेट का टर्म रहता है उसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लग जाता है. दैट मीन्स कि यहाँ पे नॉट लग जाएगा, ठीक है, जब भी हमारा प्रिडिकेट होता है. एंड जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसमें, जो सब्जेक्ट के साथ जो हमारा क्वालिटी रहती है, मतलब क्वांटिटी रहती है, वो चेंज हो जाएगी. दैट मीन्स एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, तभी आपको क्लियर होगा. ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो ऑल की जगह में हमारी क्या होगी, कॉम्प्लीमेंट चेंज हो गया. दैट मीन्स कि ऑल का अपोजिट क्या होगा, नो, नो डॉग्स आर नॉट एनिमल. यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लग गया, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लग गया, मतलब पॉजिटिव जो टर्म होगी ना, पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होगी वो मतलब नेगेटिव में चली जाएगी. नो डॉग्स आर नॉट एनिमल्स, वैसे ही नो डॉग्स है, नो डॉग्स की जगह में क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा, ऑल डॉग्स, और यहाँ पे नॉट था तो यहाँ पे नॉट हट जाएगा. ये क्लियर हुआ. इसमें ओवर्स में क्या होता है कि जो भी हमारी क्वांटिटी होती है, जो सब्जेक्ट की क्वांटिटी होती है वो चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की क्वांटिटी, दोनों की ही क्वांटिटी चेंज हो जाती है, ठीक है. ऑल का नो हो जाता है, नो का ऑल हो जाता है. तो ये क्लियर हो गया ओवर्स वाली सिचुएशन. अब हम नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है ये कॉन्ट्रापोजिशन. कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ अ कैटेगोरियल प्रपोजिशन इज फॉर्म्ड बाय टेकिंग द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड देन रिवर्सिंग देम. सो इसमें क्या होता है कि जो भी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो लिया जाता है और उसके बाद रिवर्स कर दिया जाता है उनको. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ऑल डॉग्स आर एनिमल, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑल नॉन एनिमल्स यहाँ पे चेंज हो गया, चेंज हो गया, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया, प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो गया, एंड यहाँ पे क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट भी लग गया, मतलब नॉन एनिमल्स नॉट डॉग्स, क्योंकि यहाँ पे नॉट तो था नहीं, तो यहाँ पे चेंज हो गया, मतलब जो भी कॉम्प्लीमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, क्वांटिटी चेंज हो जाती है, एंड सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी रिवर्स हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, सम डॉग्स आर फ्रेंडली, तो
सम है, सम तो क्लियर है, ठीक है, क्वांटिटी तो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट वो प्रेडिकेट का जो रहेगा वो प्रेडिकेट पहले आ जाएगा, मतलब वो सब्जेक्ट बन जाएगा, एंड जैसे कि वो सब्जेक्ट बन जाएगा तो वहाँ पे क्या आ गया, नॉन लग गया ना यहाँ पे, सब्जेक्ट चेंज हुआ तो यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट चेंज हुआ तो यहाँ पे नॉन लग गया, एंड ये जो डॉग है वो भी चेंज हो गया, मतलब वो प्रेडिकेट में चला गया तो उसका भी क्वांटिटी चेंज हो गई, मतलब यहाँ पे नॉट लग गया, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की जो क्वांटिटी रहेगी वो चेंज हो जाएगी और वो रिवर्स भी हो जाएंगे, मतलब सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, सो दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन आए नहीं हैं अभी तक, मोस्टली क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट इससे इसके चांसेस हैं, बिकॉज जो चीज़ नहीं आती है उसका ज़्यादा चांसेस रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स वाई मैंने ये कंप्लीट करा दिया है आपको। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो यहाँ पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।